कई छात्र कई दिनों से छात्र संघ चुनाव कराए जाने के संबंध में धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय के प्रैक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों तथा डीएसडब्ल्यू टीम द्वारा लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है तथा विभिन्न प्रशासनिक एवं विधिक पहलुओं के संबंध में अवगत भी कराया जा रहा है। मैं कुलसचिव लखनऊ विश्वविद्यालय पुनः निम्नलिखित बिंदुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। लिंगदो समिति की संस्तुति के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराए जाने के संबंध में एक छात्र द्वारा याचिका संख्या 8285 2012 में आयोजित की गई थी, जिसमें दिनांक 3 अक्टूबर 2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। याचिका वापस लिए जाने के कारण 11 दिसंबर 2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज कर दी गई। उक्त आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2020 को रिकॉल एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित की गई, जो लंबित है। इसके अतिरिक्त याचिका संख्या 7712/2012 में पीपीएन कॉलेज कानपुर बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में दिनांक 13 सितंबर 2012 द्वारा छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई थी तथा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का लिंगदोह समिति की अनुशंसा के अनुरूप वर्गीकरण करने का आदेश दिया गया है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष अद्यतन विचाराधीन है। उक्त प्रशासनिक एवं विधिक बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में धरने पर बैठे अपने प्रिय छात्रों शनि, रजत, उत्कर्ष, आयुष, आशुतोष, आलोक, आरपी सिंह से अपील करता हूं कि वे अपना धरना समाप्त करें। यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में समस्त कक्षाएं संचालित हो रही हैं, छात्रों के इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल इत्यादि भी चल रहे हैं। अतः शिक्षा एवं छात्र हित में पुनः विशेष अपील है कि सभी छात्र शिक्षण कार्य पर फोकस करें तथा शिक्षा के उत्थान हेतु अपने परिवार समाज का नाम रोशन करते हुए राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान करें।